हमारा दिमाग साथ चलना चाहिए। सही कहा ना मैंने स्पाइडरमैन? वैसे इससे याद आया, मैं तुम्हें वो दिखाना चाहता हूँ जिसके पीछे ऑक्टेवियस पड़ा था। तुम्हारे पावर सेट को देख के लगता है कि तुम्हें इसमें दिलचस्पी होगी। क्या बात है, एनिमल डीएनए? अब समझे वो क्या चाहता था? वो जंगली जानवरों का पेटिंग जू खोलना चाहता था। मुझे लगता है वो तुमसे इंस्पायर होकर स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस के इंसानों वाली एक स्पेशल टीम बना रहा था। वही पुराना एनिमल आर्मी बनाओ दुनिया को उड़ाओ वाला तरीका। अच्छा हुआ जो हमने उसके इस आइडिया की हवा निकाल दी। पर सोचो कि अगर ये टेक्नोलॉजी एक ऐसे साइंटिस्ट को मिल जाए जिसका दिमाग ठिकाने पर है तो कैसा रहेगा? ये वो तो नहीं सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ। क्यों, आप क्या सोच रहे हैं? मुझे लगता है ये एनिमल कंपाउंड्स शरीर के डैमेज्ड हिस्सों को पहले जैसा बना सकते हैं। मैं जानता हूँ यकीन करना मुश्किल है, पर अपने आप को ही देख लो। मैं तो लकी था, पर अगर आपको डॉक्टर ऑक्टोपस के जेनेटिक गेसवर्क के बारे में जानना है तो वेनम या गॉब्लिन को देखिए। ओ हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम डॉक्टर ऑक्टोपस के नोट्स नहीं पढ़ सकते। खैर मुझे बस थोड़ा सा संभालना होगा, डॉक्टर ऑक्टोपस की सन की सिक्योरिटी को छेड़ना नहीं चाहिए। मैं सब संभाल लूंगा। स्वागत है तुम्हारा घुसपैठी, तुम्हें मेरा डेटा चाहिए था, कोशिश कर लो। ए, वो क्या है? हो रहा है विल्कॉक्स, हमें बैकअप की जरूरत है। शायद गलती से मिस्टेक हो गई।